हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स विद खान में। दोस्तों, मेरा नाम मोहसिन है और आज मैं इस वीडियो में जिस मेडिसिन का रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उस मेडिसिन का नाम नेक्सडोम 500 mg टैबलेट है। दोस्तों, ये टैबलेट दो साल्ट के कॉम्बिनेशन से बनाई गई मेडिसिन है, जिसमें नेप्रोक्सिन 500 मिलीग्राम और डोमपेरिडोन 10 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में शामिल होता है। फ्रेंड्स, नेक्सडोम टैबलेट को सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है और ये मेडिसिन 10 टैबलेट्स के एक स्ट्रिप में आती है, जिसका मार्केट प्राइस लगभग 86 रुपीज़ है। तो चलिए इस वीडियो में नेक्सडोम टैबलेट के होने वाले यूज़ और बेनिफिट्स, डोज, साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशन के बारे में पूरी बात डिटेल में जानते हैं। इसके अलावा हमेशा की तरह उन दवाओं के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिनके साथ नेक्सडोम 500 mg टैबलेट का यूज़ नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप इस चैनल के एक नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल पर भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर हेल्थ और मेडिसिन से जुड़े ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। तो आइए इस छोटे से इंट्रो के साथ वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया है कि नेक्सडोम टैबलेट में दो साल्ट का कंपोजिशन होता है, जिसमें अगर बात की जाए नेप्रोक्सिन की, तो ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के ग्रुप से बिलोंग करता है, जो किसी भी तरह के दर्द और इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए काफ़ी यूज़फुल माना जाता है। और अगर बात की जाए डोमपेरिडोन की, तो ये एक एंटी कॉन्वलसेंट है, जो बेंजोडाइजेपाइन नाम के दवाओं के ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसका यूज एंटी इमेटिक्स नामक बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, एंटी इमेटिक्स डिजीज़ के कैटेगरी में उल्टी, जी मिचलाना और चक्कर आने जैसे सिम्टम आते हैं। तो चलिए अब डिटेल में जानते हैं कि नेक्सडोम 500 mg टैबलेट को कब और किस तरह के डिजीज़ में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन का यूज़ मेनली माइग्रेन के कारण होने वाले दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। नेक्सडोम टैबलेट ब्रेन में उन केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करता है जो दर्द और सूजन के साथ साथ बुखार के भी कारण होते हैं, और साथ ही साथ ये ब्रेन में उन सिग्नल्स को पहुंचने से रोकता है जो माइग्रेन के दर्द के कारण जी मिचलाना या उल्टी जैसे सिम्टम के वजह होते हैं। इसके अलावा हल्के फुल्के जोड़ों का दर्द, बदन दर्द, मसल्स पेन और गाउट के दर्द में भी ये मेडिसिन बहुत फ़ायदेमंद होता है, और साथ ही साथ पेट और आंत के मूवमेंट को भी बढ़ाता है, जिससे खाना पेट में ज़्यादा आसानी से मूव करता है। अब अगर इसके डोज की बात की जाए तो दोस्तों, इस टैबलेट को खाना खाने के बाद एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट रात को प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो इसका कॉमन डोज है, बट पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग इस डोज को कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। इसलिए इसे यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। इसी के साथ चलिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में कब्ज़, पेट में सूजन, बदहजमी, स्किन रिएक्शन और गैस की समस्या हो सकते हैं। सो अगर आपको ऐसे किसी भी साइड इफ़ेक्ट्स का एहसास हो तो दवा को फौरन रोककर अपने डॉक्टर से मिलें। एंड अगर प्रिकॉशन की बात करें तो वैसे पेशेंट जिन्हें ड्रग एलर्जी हो या एनीमिया, अस्थमा, हार्ट, लीवर और किडनी की बीमारी हो या फिर ब्रेस्ट कैंसर हो, तो वैसे पेशेंट को इस दवा का यूज़ हानिकारक होता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाएं और जो माताएं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, उनके लिए भी नेक्सडोम टैबलेट बिना डॉक्टर के सलाह के लेना हानिकारक हो सकता है। सो अगर आप इनमें से किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं तो इस टैबलेट को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। अब चलिए उन दवाओं की बात कर लेते हैं जिनके साथ नेक्सडोम 500 mg टैबलेट का यूज़ नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। दोस्तों, ये मेडिसिंस केटोरोलैक, एसिक्लोफेनैक, ट्रामाडोल, वरफरीन, डाइक्लोफेनैक, रेमिप्रिल, प्रेडनिसोलोन और अमिकासिन के ग्रुप के हो सकते हैं, इसलिए इन दवाओं के साथ नेक्सडोम 500 mg टैबलेट का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में नेक्सडोम 500 mg टैबलेट के बारे में जो भी जानकारी आपको दी गई है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें,
और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस चैनल के मेडिसिन से जुड़े ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट का नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और मेडिसिन के टॉपिक के साथ। नमस्कार।